इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। रियासती वजीर रमेश जारकीहोली की सेक्स सीडी को लेकर पूरे दिन भर सरगर्मियां रही। वजीर रियासत के खिलाफ कई जगहों पर एहतजाज किए गए और इस्तीफा की मांग भी की गई। वही दूसरी ओर रमेश जारकीहोली की जानिब से बेगुनाह होने की बात करते हुए कैसे वीडियो या तस्वीर को एडिट किया गया इसके तफसीलात भी न्यूज़ मीडिया पर पेश किए गए, जिसे कर्नाटक कांग्रेस की जानिब से रियासती वजीर के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। खासकर बेलगाम शहर में महिला कांग्रेस की जानिब से एहतजाज करते हुए सख्त अल्फाजों में मजम्मत फरमाई गई। सेक्स सीडी के चलते आखिरकार रमेश जारकीहोली की जानिब से इस्तीफा पेश किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी को किसी तरह शर्मिंदा न होना पड़े, इसलिए इस्तीफा का फैसला लिया गया। सामाजिक खिदमतगार नागरिक हक होराट के सदर दिनेश कल्हल्ली ने सेक्स फॉर जॉब के तहत मुकदमा भी दर्ज करने की बात कही जा रही है। आज पूरे देश में इस मामले की चर्चा रही, अब तो पूरे मुल्क की सतह पर मीडिया पर भी इसकी चर्चा जारी है। सियासी मैदान में इसे बड़ी वारदात के तौर पर देखा जा रहा है। बेलगाम शहर में आज बड़े पैमाने पर कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी जुलूस में बेलगाम शहर और अतराफ के बड़े कांग्रेस कायदों की गैर हाजिरी भी बहुत कुछ बयां करती दिखाई दी। आखिर क्या बात है कि कांग्रेस को इसे एक मौके पर लेना था, पर कहीं तो कांग्रेस के कुछ लीडर इस पर बोलने से कतराते नजर आए। इस एहतजाज में रमेश जारकीहोली और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी फरमाई गई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रधानमंत्री नारे का वास्ता भी दिया गया और बताया गया कि रमेश जारकीहोली ने जिस काम को अंजाम दिया है शर्मसार करने वाला है। जब तक कांग्रेस में रमेश जारकीहोली थे ठीक थे, पर जब से भाजपा में गए हैं तो तमाम बेहयाई के हदों को इन्होंने पार किया, ऐसा इल्जाम भी लगाया। बेलगाम, हुबली, बेंगलोर और दिगर शहरों में रमेश जारकीहोली की सीडी के बाद आवाम में नाराजगी दिखाई दी। साहूकार के खुद गांव गोकाक में एक तरफ हिमायत में एहतजाज करते हुए देखा गया तो एक तरफ मुखालिफ में भी एहतजाज नजर आया। इसी तरह इस्तीफा ना देने की मांग करते हुए रमेश जारकीहोली के चाहने वालों ने रमेश जारकीहोली की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। बेलगाम गोकाक बसेस पर पथराव भी किया गया, लिहाजा हिमायतों की जानिब से गोकाक बंद किया गया, सड़कों पर टायर भी जलाए गए। दूसरी ओर गोकाक में ही जेडीएस की जानिब से एहतजाज करते हुए रमेश जारकीहोली को चड्डी लीडर कहा गया और बसवेश्वर सर्कल में एहतजाज करते हुए इस्तीफे की मांग की गई। खैर कुछ देर बाद रमेश जारकीहोली ने अपने ओहदे से आला कमान को इस्तीफा पेश किया। अब इस इस्तीफे के बाद भी सीढ़ी पर तस्करे जारी, आखिरकार सीढ़ी ने इस्तीफा देने पर मजबूर ही कर दिया। जेडीएस की जानिब से पुजारी और गड़द ने इन्हीं के जेर एहतमाम इस एहतजाज को अंजाम दिया गया। भाजपा के ही भालचंद्र जारकीहोली ने इसे बतौर साजिश बताया है। क्या ये किसी भी इंतकामी साजिश का हिस्सा है? अब इस तमाम पर किसी जांच करने की मांग भी की जा रही है। जिस तरह इस वीडियो को वायरल किया गया, यकीनन इसमें साजिश की बू जरूर आ रही है। सभी जानते हैं कि जिस तेजी से रमेश जारकीहोली ने अपना मकाम रियासत भाजपा में बना लिया था, कहते हैं कि वजीर आला भी इसके सामने कुछ कहने से कतराते थे। वैसे भी कांग्रेस की हुकूमत को गिराकर भाजपा को इख्तदार तक पहुंचाने का अहम किरदार जारकीहोली की जानिब से निभाया गया था। तब से शायद कुछ लोगों ने इनके पीछे लोग ही लगा दिए थे। जैसे रमेश जारकीहोली कहते हैं कि यह साजिश है, यकीनन साजिश हो भी सकती है, पर जो भी किया है वो भी फिलहाल सच ही नजर आ रहा है। अखलाकी तौर पर इसे कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता और इस तरह की साजिशें जमाने से की जा रही हैं, पर पिछली साजिशों से सबक सीखने की बजाय फिर गलतियां दोहराई जाती है जिसके नतीजे हम देख रहे हैं। सवाल तो वैसे भी आज भी कायम है, आखिर कौन थी वो लड़की जिससे फोन पर भी बातों की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, जिससे कुछ तो ताल्लुकात का अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लिहाजा कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किए गए, पर बेलगाम के एहतजाज में कोई कांग्रेस का बड़ा कायद नजर नहीं आया। अब इसे क्या कहा जाए, जारकीहोली फैमिली का डर या फिर आने वाली सियासी सरगर्मियों का आगाज? सबसे बड़ा झटका तो भाजपा को लगने वाला है, क्योंकि इस्तीफा से कर्नाटक सियासत का रुख ही बदल सकता है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि क्या आने वाले दिनों में कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बनने वाली है। हो सकता है कि अब जब इस्तीफा मामले के बाद रमेश जारकीहोली भाजपा के ही कुछ एमएलए के साथ
कांग्रेस में शरीक हो सकते हैं। भारत की सियासत में बड़े बड़े हादसे, बड़े बड़े मामले, कांडों को आवाम जल्दी भुला देती है, कुछ वक्त के बाद यह हादसा भी भूल जाएगी, लेकिन सियासी रुख बदलने में सीढ़ी कांड का बड़ा किरदार होगा। यह और बात है कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन था और किस इंतकाम का बदला लिया गया, यह सवाल आज भी लाजवाब है, क्योंकि साजिश का किरदार बनने से पहले बातों और कयास मायने रखते हैं। जब आप इसका हिस्सा बन जाते हैं तो तुम्हारे बातें कोई मायने नहीं रखती, अगरचे के तुम सही हो। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह राजीनामे ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಮುಖರು ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರ।